सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप कितना जानते हैं? आज हम बताएंगे सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें। भारत का उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जिसे भारतीय संविधान के भाग 5 और अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। भारतीय संघ की अधिकतम और व्यापक न्यायिक अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की भूमिका संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है। देश का सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। दो दिन बाद यानी 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया था। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसके पहले कौन न्याय करता था, तो इसके पहले देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया थी। इसका कामकाज संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिसेस में किया जाता था। जब सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया तो उसका उद्घाटन भी यही हुआ और अगले कई सालों तक यही से कामकाज चलता था। सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस हीरालाल जे कानिया थे। वहीं पहली महिला चीफ जस्टिस फातिमा बीवी थी, जिन्होंने साल 1959 में कार्यभार संभाला था। साल 1958 में सुप्रीम कोर्ट को संसद भवन परिसर से नई दिल्ली के तिलक मार्ग पर स्थित मुख्यालय में शिफ्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट भवन में कुल 15 कोर्टरूम है। अभी बिल्डिंग की खासियत क्या है, तो बिल्डिंग की खासियत यह है कि इसे तराजू के पलड़े की तरह बनाया गया है, जो अपने दोनों तरफ से एक समान है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के वक्त इसमें चीफ जस्टिस को मिलाकर कुल जजों की संख्या 8 तय की गई थी। जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संविधान में संसद को दे दिया है। काम को बढ़ता देखकर जजों की संख्या को बढ़ाया गया। 1956 में 11, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26 जजों का प्रावधान किया गया, जिसे साल 2009 में बढ़ाकर 31 कर दी गई। आपने अक्सर सुना होगा कि 3 जजों की बैच, 5 जजों की बैच। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ता देख केस के हिसाब से 2-3 जजों की बैच बनाई गई। कभी कभी केस की मांग के मुताबिक 5 या उससे ज़्यादा जजों की बड़ी बैच भी बनाई जाती थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रणाली को कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। 1993 से लागू इस सिस्टम के जरिए जजों के ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और प्रमोशन का फैसला होता था। कॉलेजियम 5 जजों का ग्रुप है। इसमें भारत के चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज मेंबर होते हैं। इस सिस्टम को नया रूप देने के लिए एनडीए सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी बनाया था। यह सरकार द्वारा प्रस्तावित एक संवैधानिक संस्था थी, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। इस संस्था में 6 मेंबर रखने का प्रस्ताव था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ एससी के 2 वरिष्ठ जज, कानून मंत्री और कई क्षेत्रों से जुड़ी 2 जानी मानी हस्तियों को बतौर सदस्य शामिल करने की बात थी, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने कहा था कि जजों के सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट का नया कानून गैर संवैधानिक है, इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिटायर्ड होने की उम्र 65 साल है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाए जाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ऐसी स्थिति में संसद के दोनों सदनों में उस जज को हटाए जाने का प्रस्ताव लाया जाना, साथ ही 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। न्यायाधीश के लिए वेतन अधिनियम 1 जनवरी 2009 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 मासिक और न्यायाधीश को 2,50,000 मासिक आय प्राप्त हुई है। इसके अलावा उनको बाकी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी सारी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें।